कहते हैं कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं बदला करते। आज की ये कहानी है मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले सहवाग के उस तूफान की, जिस तूफान ने साउथ अफ्रीका की दिग्गजों से भरी हुई टीम को धूल चाटने पे मजबूर कर दिया था। तब एक दौर था जब साउथ अफ्रीका की टीम दुनिया की सबसे ताकतवर टीमों में से एक मानी जाती थी। हर्शल गिब्स, जैक कॉलिस, जॉन्टी रॉड्स, मार्क बॉचर, शॉन पोलोक, एलान डोनाल्ड और मखाया नटीनी जैसे धुरंधरों से सजी हुई साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे टीमों को हराकर अपने वर्चस्व को स्थापित कर रही थी। लेकिन अपने घमंड में डूबे अफ्रीकी खिलाड़ियों का सामना अब टीम इंडिया से होने वाला था और अफ्रीका की टीम भारत के सामने लगभग अपने जीत के दहलीज पर खड़ा भी हो गया था। लेकिन ऐन मौके पर उनका सामना सहवाग से हो जाता है और फिर सहवाग ने लगभग हारे हुए उस मैच में ऐसा तांडव मचा दिया था जो साउथ अफ्रीका के दिग्गजों के जहन में आज भी वो मैच हमेशा खटकता होगा। तो कैसे सहवाग ने साउथ अफ्रीका के दिग्गजों को धूल फांकने पे कर दिया था मजबूर, इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और धमाकेदार मैचों की कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल साउथ अफ्रीका को निस्ते नाबूद कर देने वाली सहवाग की धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला सेमीफाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहाँ सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है। भारतीय टीम का मकसद साफ था कि वो साउथ अफ्रीका के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर सेट करे और इसी मकसद के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग ने पहले ओवर से ही विस्फोट करना भी शुरू कर दिया था और फिर उसके अगले ही गेंद पर सहवाग ने बैक टू बैक दूसरी बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और फिर जब अगला ओवर लेकर शॉन पोलोक एक बार फिर से सहवाग के सामने आया तो सहवाग ने फिर से शॉन पोलोक को आड़े हाथों में लेते हुए दो चौके और ठोक डाले। वहीं दूसरी छोर से गांगुली ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर गांगुली ने बॉल को पुल करते हुए हवा में उठा कर मारा लेकिन गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाई और महज 13 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर गांगुली पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और तब सहवाग का साथ देने बीबीएस लक्ष्मण मैदान पर आते हैं। यहाँ एक तरफ लक्ष्मण तो शुरुआत में थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन दूसरी छोर पर सहवाग ने अपना आक्रामक रूप अपनाए रखा और गेंद को उड़ा उड़ा करके सीमा रेखा के बाहर भेजते रहे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने गांगुली का विकेट खोने के बाद 70 रन स्कोरबोर्ड पर लगा भी दिए थे और अब सहवाग ने जैक कॉलिस को क्लच में लेते हुए पहली गेंद पर पुल शॉट खेलकर डाउन द ग्राउंड गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया था। वहीं अगली गेंद पर किस्मत के भरोसे सहवाग के खाते में 4 रन और जुड़ जाते हैं और फिर उसी ओवर में इन 2 रनों के साथ सहवाग ने एक और अर्धशतक अपने नाम कर लिया। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 100 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया था, लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में 102 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और 33 बॉल पे 22 रन बना करके बीबीएस लक्ष्मण भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। तब सहवाग का साथ देने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अभी भारतीय टीम के स्कोर में थोड़े से रनों का ही और इजाफा हुआ था कि तभी 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग भी 59 रनों की पारी खेल मखाया एंटीनी के शिकार बन जाते हैं। एक अच्छे शुरुआत के बाद अब टीम इंडिया के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर हावी होने लगा था क्योंकि टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर भी 29 बॉल पे मात्र 16 रन बना करके आउट हो जाते हैं।
लेकिन फिर यहां से राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने टीम इंडिया की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला। राहुल द्रविड़ के 49 रन और युवराज सिंह की धुआंधार 62 रनों की जबरदस्त पारी के बदौलत भारत ने निर्धारित 5 ओवर में 262 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका के सामने रखा था। अब वैसे तो ये स्कोर टीम इंडिया को मैच जिताने के लायक तो नहीं था, पर इतने स्कोर में भारतीय टीम लड़ जरूर सकती थी और ऊपर से सेमीफाइनल का प्रेशर भी अलग था, इसलिए बेशक ये मैच बेहद मजेदार होने वाला था। फिर शुरू होता है साउथ अफ्रीका की जवाबी कार्रवाई, जहां भारतीय टीम को पहली सफलता तो तीसरे ओवर में ही मिल जाती है, लेकिन फिर हर्षल गिब्स और जय कालिस ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभालते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे। हर्षल गिब्स और जय कालिस जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए ये मैच कोसों दूर होते जा रहा है, क्योंकि अब तक हर्षल गिब्स ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर पर जय कालिस भी 97 रन बनाकर अपने शतक के दहलीज पर खड़ा था। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका के लिए विलेन बनकर सामने आ जाते हैं वीरेंद्र सहवाग। जब टीम इंडिया के सभी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में नाकाम हो जाते हैं, तब कप्तान गांगुली ने सहवाग के हाथों में गेंद थमा दी और कहा, जा वीरू, दिखा दे आज गेंद से भी अपना कमाल। और सहवाग ने आते ही खतरनाक जय कालिस को 97 रनों पर आउट करके चुपचाप और शांत बैठे भारतीय खेमे को उत्साह से भर दिया था। फिर तो सहवाग ने अपने बॉलिंग से आर प्रेमादास स्टेडियम में ऐसा कोहराम मचा दिया था कि सहवाग ने मात्र 5 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 25 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। सहवाग की इस कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 251 रनों पर ही रोक दिया था और 10 रनों से इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह को भी पक्का कर लिया था। तो बीरू भैया के बैट के साथ साथ आज बॉल से भी आतंक मचा देने वाली इस धमाकेदार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी गुजारिश है कि जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।